हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, नमस्ते ते सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद, मैं साजिद महमूद। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले, स्टार्टिंग में तो सारा हिंदी में है लेकिन सीएम योगी है। हाँ, तो डायरेक्ट देखते हैं वीडियो में क्या सीन है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। योगी आदित्यनाथ वैसे तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है और ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं मुसलमान समाज उनसे नाराज रहता है और उनके खिलाफ वोट करता है। हम गोरखपुर पहुंचे हैं, गोरखपुर सदर शहर से वो चुनाव लड़ रहे हैं और गोरखपुर में जो मुसलमान आबादी है, जो उनके मठ के आसपास लोग रहते हैं, वो क्या सोचते हैं बाबा के बारे में, योगी आदित्यनाथ अच्छा, के बारे में, और क्या वाकई यही मैसेज है कि वो एंटी मुस्लिम है। इनसे बात करके हम पता करेंगे कि वाकई बाबा योगी आदित्यनाथ जो है एंटी मुस्लिम है या फिर एंटी मुस्लिम नहीं है। हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपने बड़े लंबे समय से उनको देखा होगा, 5 बार से यहाँ सांसद रहे, मुस्लिम समाज का विरोधी माना कहा जाता है उनको, जो फैलाया जाता है, प्रचार किया जाता है, ये बात कितना सच है? ये बात बिल्कुल गलत है। महाराज जी को हम लोग बचपन से जानते हैं और हम लोग का कई पीढ़ियों से महाराज जी से संबंध है और यहाँ जब भी कोई समस्या आती है हिंदू और मुसलमान की, हम लोग अपनी समस्या लेकर के उनके सामने जाते हैं, वो उसका समाधान करते हैं। यही मस्जिद का मैटर था, वहाँ एक आदमी जो है उस पर कब्जा कर रहा था, महाराज जी से हम लोगों ने बताया कि महाराज जी ये मस्जिद की ज़मीन को दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं, तो वो मस्जिद के पास आ करके उन्होंने उसका समाधान किया और डीएम से कहा कि अगर इस तरीके की बात होती है तो यहाँ के मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, तो हम उसके लिए धरना प्रदर्शन जो भी होगी हम करने के लिए तैयार हैं। कब की बात है ये? 3-4 साल पहले की बात है। आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप भी बुजुर्ग हैं, चूँकि आप लोगों ने लंबे समय से उनको देखा होगा है गोरखपुर में, पूरे प्रदेश में लोग ये कहते हैं कि बाबा जो है मुसलमानों के खिलाफ हैं, मुसलमानों के लिए बड़ा कड़ा शब्द बोलते हैं, आप जो मुसलमान हैं आपने क्या देखा है बाबा में? यहाँ जो है हम लोग सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, कोई बात नहीं रहती है, कोई मसला रहता है तो हम लोग जो उनके पास जाते हैं, इज्जत करते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं, यहाँ कोई इस तरह का मसला नहीं है। हमेशा से आपके साथ न्याय किया उन्होंने? कभी आपने कहा कि कुछ चीज़ें जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम आबादी है उनमें एक मैसेज है कि बाबा बहुत एंटी मुस्लिम है, तो यहाँ मारपीट होती होगी, यहाँ अदालत भी लगता है बाबा का, बाबा के अदालत में आपके लिए न्याय होता है कि नहीं होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग कोई मामला होता है गोरखपुर शहर का, दूसरे ज़िले का भी, मुस्लिम भी आते हैं उस न्यायालय में और गैर मुस्लिम भी आते हैं, तो जो सही काम होता है उनके दरबार से वो न्याय मिलता है। और गोरखपुर में जो विकास हुआ है ये उनकी ही देन है, जो इतना विकास हुआ, मेडिकल कॉलेज बना, एम्स बना और 4 लेन बना, गोरखपुर का जितना विकास उन्होंने किया है, और हमको उम्मीद है कि और इससे ज़्यादा विकास करेंगे वो मुस्लिम। लेकिन पूरे प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी चाहे बाकी पार्टियां कहती हैं कि बाबा तो मुसलमानों के खिलाफ हैं, मुसलमानों को कहीं ना कहीं हटाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो करीब से उनको जानेगा वो उनकी सच्चाई को जानेगा, दूर वाले तो दूर की बात समझते हैं, जो करीब आएगा उनसे मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा। और सबको समाजवादी पार्टी तो सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करती और कुछ ना करती। आ जाए लड़ ले अखिलेश, अखिलेश जी लड़ ले ना गोरखपुर शहर से, पता चल जाएगा उनको, योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ लड़ ले, मना थोड़ी ना किसी को कहीं से लड़ने का, आ जाए योगी अखिलेश जी। और मुसलमानों का सिर्फ सपा ने सिर्फ इस्तेमाल किया और कुछ नहीं, कोई भी इलेक्शन 2012 हमने देखा ना, अखिलेश यादव की सरकार बनाई ना, 2014 में देखा ना, 2017 में देखा ना, 2019 में भी देखा ना, अखिलेश को महागठबंधन में, ये चीज़ भूल जाएं, सपा तो बिल्कुल ही भूल जाए कि मुसलमान उनका साथ, मतलब कि वो इस्तेमाल करते हैं किसी पार्टी मामले वाले में भी, सपा मुसलमानों के साथ नहीं खड़ी रही, चाहे लखनऊ में CNRC का प्रोटेस्ट रहा हो, चाहे कितनी भी कुछ भी रहा हो, ये अपने घर में बैठ के मस्त खाली ट्वीट करते रहते थे और इनका कोई काम नहीं है। अब जब इलेक्शन करीब आ गया है तो इनको मुसलमान का वोट चाहिए और इस वजह से ही मुसलमानों के लिए इतनी बातें बोल रहे हैं। अगर बाबा मुसलमान विरोधी हैं या आप लोगों को यहाँ आपके साथ खड़े होते हैं, आपको आपको न्याय मिलता है उनके साथ? खड़े होते हैं बाबा और न्याय भी मिलता है और सारे लोग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सारे लोग मंदिर में आते हैं, दरबार लगता है, वहाँ सारे लोगों का काम होता है, हुआ भी है और आगे होता भी रहेगा इंशाल्लाह। यहाँ लोग अदालत में उनके जाते होंगे, आप लोग यहाँ लोकल हैं, कई बार उनके अदालत में अपना काम लेकर गए थे, कोई वाक्या बताइए कि आप अदालत में गए और उनको आपको न्याय मिला या नहीं मिला? न्याय मिला है, न्याय मिला है, न्याय मिला, ऐसा नहीं न्याय मिला है, जब भी गए तब न्याय मिला हम लोग को, ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है आपका? परवेज अतहर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनस। अनस भाई बताइए, कोई ऐसा वाक्या बताइए जब आप गए हो, आपका परिवार चाहे आप गए हो और आपको न्याय मिला या फिर बाबा ने आपके साथ वो किया, मुस्लिम होने के साथ वजह से अन्याय किया?
देखिए यहाँ पे पूरे गोरखपुर की जनता का या देखें या पूरे आसपास के लोगों का जो भी समस्या होती है, हर आदमी गोरखनाथ मंदिर आता है अपनी समस्या लेकर, वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। मुसलमान का काम यहाँ ज़्यादा पहले होता है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता। ना महाराज जी ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं, वो सिर्फ काम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, न्याय उस पर करते हैं। और यहाँ पर पूरे प्रदेश में महाराज जी ने ना हिंदू देखा है ना मुसलमान देखा, सिर्फ एक विकास का काम किया है। और पूरे प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो जितनी रोडें सड़कें और गोरखपुर का जो विकास, आज से 50 साल पहले तक उतना विकास नहीं हुआ जितना महाराज जी ने 5 साल में विकास कर दिया। आप गोरखपुर फर्टिलाइजर चालू हो रहा है, एम्स चालू हो गया आपका गोरखपुर में, बच्चों जू अशफाकुल्ला खां नाम दिया उन्होंने जू का। भाई कोई और सरकार होती तो अशफाकुल्ला खां जू का नाम नहीं देती, मगर महाराज जी ने क्या हिंदू और भेदभाव का कोई मतलब ही नहीं है, अशफाकुल्ला खां जू का नाम दिया उन्होंने। तारामंडल है, रोडें सारी यहाँ पे अच्छी हो रही है। हर अखिलेश जी मुख्यमंत्री जी की महाराज जी की सरकार में आप एक भी दंगा बता दीजिए कहीं भी दंगा हुआ हो, भाई अखिलेश की सरकार में आप गिन लीजिए और महाराज जी की सरकार में आप गिन लीजिए। भाई मुसलमान क्या चाहता है, अपना रोजी रोटी कमाना और खाना सुख चैन से जीना। आप महाराज जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। अखिलेश यादव है, दूसरी पार्टियां हैं मुसलमानों का इस्तेमाल करती है, और बाबा के राज में योगी आदित्यनाथ के राज में इनके साथ न्याय हुआ है। गोरखपुर में लंबे समय से न्याय होता आ रहा है, और आज भी ये उम्मीद करते हैं कि अगर जिनको नहीं पता है क्या जिनमें कोई कन्फ्यूजन है वो गोरखपुर आकर देख ले कि योगी आदित्यनाथ कैसे मुस्लिम और हिंदू के साथ एक जैसा अन्याय करते हैं। कोई अन्याय किसी के साथ नहीं होता है। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया गोरखपुर। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ। तो वीडियो ही ख़त्म यार। ये वाकई बात है कि वो सच कह रहे थे कि इधर जो है ना हमें यही कहते थे कि वो वाकई योगीनाथ जो है ना वो मतलब काफ़ी मुसलमानों के साथ बुरा सलूक करते हैं। अब हमें जाके पता चला कि हम यार देखे इतना मतलब मीडिया फेक हो गया। अब देखें वो मुसलमान किस तरह यार कह रहे थे कि मतलब बाबा जी हमारी हर परेशानी जो होती है हमें, हम उधर जाते हैं हमारा मसला सुनते हैं और सबसे पहले हमें मतलब प्रायोरिटी देते हैं कि आप बताएं क्या काम है आपका। जब ये मोदी साहब के इलेक्शन हुए थे ना, मोदी जब जीता था ना ये इलेक्शन, तो इधर पाकिस्तान में ये कह रहे थे कि ये तो मुसलमानों के काफी ज्यादा खिलाफ है। अब ये काम जो है ना बिल्कुल बिल्कुल जो कांग्रेस में, जो कांग्रेस थी ना वो पाकिस्तान के मतलब मुसलमानों के हक में थी, लेकिन अब जाके हमें पता चला ये तो सिर्फ फेक न्यूज है। वही ना अपोजिशन अपोजिशन बातें बताती रहती है। वो कह नहीं रहे थे कि अब वो कह रहे थे कि दूसरा 5 साल से ना वो इधर जीत रहे हैं बाबा जी ना। बिल्कुल यार पुष्ट हो। अच्छा मैं इसमें ना एक बात ऐड करना चाहूंगा। अच्छा अगर एक बंदा जो है खराब कह ले के मतलब ठीक नहीं है, गोरखपुर में मुस्लिम भी अक्सरियत काफी होंगे, गोरखपुर में मुस्लिम भी होंगे हिंदू भी होंगे इस तरह। अच्छा अगर वो बाबा नहीं ठीक तो अवाम फिर क्यों कैसे उन्होंने सिलेक्ट किया? वही मैं सोच रहा हूँ ना यार, मेरे जहन में आई है कि अच्छा दूसरे जो कहते हैं कि वो योगी नाथ नहीं ठीक, तो यार वो बार बार क्यों सिलेक्ट हो जाते हैं? दरअसल ना वो कह रहे थे ना कि वो हमें ना यूज करते हैं मुसलमानों को, मुसलमानों को ये कहते हैं कि वो योगी जो है ना वो आपके बहुत ज्यादा खिलाफ है। मतलब कि वो दूसरी पार्टियों वाले जो है ना मुसलमानों को यूज करते थे, लेकिन अब उधर मुसलमानों को ये भी तो पता है ना हमें कौन यूज कर रहा है, कौन हमारा काम कर रहा है। वही ना, मतलब बच्चे तो नहीं ना छोटे, उनको पता है। वो कह रहे थे कि जब पहले वाली हुकूमतें थी ना, ना इधर रोड था, ना कॉलेज यूनिवर्सिटी पार्क कुछ भी नहीं था, जब से ये योगी बाबा आए हैं उन्होंने इस शहर का इतना ख्याल रखा है कि हर चीज उन्होंने हमें दी है। अगर वो हमारे खिलाफ होते तो उन्होंने हमें क्यों ये हर चीज बिल्कुल ये तो बात उन्होंने यही कहना चाहिए। अक्सर अक्सर जिस तरह मोदी जी तो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और डेवलपमेंट और ये जो कंपनीज इस तरह के बिजनेस के लिहाज से काफ़ी मतलब ना अपनी कंट्री को आगे ले जाते, लेकिन मैंने काफ़ी जगह पर ये देखा है अक्सर वीडियो में ये बाबा योगी नाथ उनके साथ साथ होते थे। मुझे लगता है कि मोदी जी और बाबा योगी नाथ ये काफी मतलब अटैच भी हैं और दोस्त भी होंगे। अब देखें वो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बड़े कमाल के बनाए हुए हैं, वो देखें इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ही काफी आगे चला गया है वो, और साथ साथ वो देखें ना यार एक लीडर होता है ना उसका एक एम होता है कि मैंने इसको चेंज करना है। अब देखें बाबा योगी नाथ भी उनकी पार्टी में है, वो भी
जारी बात है उनसे मुतासर होके वो भी काम करते, या जिस तरह वो एक वीडियो में देख रहा था कि मोदी जी अपने दफ्तर में बैठते हैं, जिसको भी कोई मसला हो ना वो चले जाते हैं। अच्छा ड्रग्स चले जाते हैं उधर, मतलब मैंने देखा था एक वीडियो पर, हमने बनाया भी था यार। हाँ। कि काफी टाइम मतलब अपने दफ्तर में बैठते हैं, कोई मसला हो तो हाँ, सुनते भी हैं। और ये भी बाबा योगीनाथ जो है वो भी लगाते हैं बैठक, मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं। हाँ, जो जो उनको मसला होता है वो बताते। और वो एक मुसलमान कह रहे थे कि एक मस्जिद का था, हाँ मसला था, हाँ वो गए और उन्होंने उधर आके खुद आके बुनियाद रखी, बुनियाद रखी। तो वाकई इससे साबित होता है कि उधर वो बाबा योगीनाथ न्यूट्रल है। हाँ बिल्कुल, किसी को ज्यादा फोर्स नहीं करते। बिल्कुल, दरअसल ना यार हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो फेक न्यूज है ना इनसे बचा करें। तो इधर जो है ना पाकिस्तान में भी यही कहते यार, यही बात है ना कि उधर भी हमारे वो वाले न्यूज इधर बताते हैं, हाँ मतलब गलत बताते हैं उधर, और हमारे वो गलत करके। दरअसल हमारा चैनल बनाने का मकसद यही था कि हम जो है बिल्कुल अंदरूनी, अब देखें इंडिया में देखें यार क्या सीन है, किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं मुसलमान और हिंदू। दरअसल ना हमें बेसिकली पहले तो यही बताते थे यार हिंदू मुसलमानों पे बहुत जुल्म होता है, लेकिन जब से हमने ये रिएक्शन करना स्टार्ट किया, चैनल बनाया है, हमने काफी वीडियो में देखी यार मुसलमान और हिंदू आपस में बिल्कुल इकट्ठे रहते हैं यार, इकट्ठे होते हैं बिल्कुल इसी तरह। तो वाकई यार हमें ना इंस्टाग्राम पे ना काफी अच्छा लगता था कि अच्छा लगता है जब वो ना हमें वो बताते कि बात करते हैं, हमें बताते हैं इंडिया के बारे में, तो वाकई बहुत ज्यादा खुशी होती है कि यार हम इंडिया के इधर हम साथ क्या बातें करते हैं, इधर मतलब क्या हमें बताते हैं, क्या हम सोचते हैं, उधर कुछ और सीन है। बिल्कुल इसी तरह। तो वाकई यार वीडियो जो थी ना बहुत जबरदस्त थी। तो हमें तो इजाजत, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। ओके बाय।